वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक तेलुगु साइंस फिक्शन मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है आरंभम। इसका मतलब है शुरुआत, बिगिनिंग। आप मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी को नए लोगों ने बनाया है और इसी तरह मूवी में के एक्टर्स भी नए लोग ही है कुछ। इस मूवी में टोटल 8 एपिसोड्स होते हैं, मतलब एपिसोड के हिसाब से स्टोरी को दिखाया गया है। ओवरऑल से मूवी एक बार जरूर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही आधी रात को एक लड़की को दिखाया जाता है जो फिलहाल किसी जगह पर आकर जनरेटर को ऑन करने की कोशिश करने लगती है, शायद किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए। दूसरे सीन में एक जेल को दिखाया जाता है और इस जेल में का कैदी हम लोगों को कुछ बातें बताने लगता है कि पता नहीं हम लोगों के पास कितनी जिंदगी है, लेकिन बिना जाने हम अपनी जिंदगी को गुजारते रहते हैं और हमारी जिंदगी हमको कहां तक ले जाती है ये भी हमको नहीं पता, लेकिन मेरी जिंदगी मुझे यहां तक ले आई। इस जगह पर यही मेरे आखिरी पल है, अब मैं यहां से जाने वाला हूं। एट द सेम टाइम पुलिस वाले कुछ तैयारियां करते रहते हैं उस कैदी को शायद कोर्ट में सबमिट करने के लिए या तो फिर फांसी लगाने के लिए। इसके रिलेटेड सारे फॉर्मेलिटीज पूरी करते रहते हैं। दोबारा वो कैदी हम लोगों से कहने लगता है कि वक्त, आखिरकार वक्त क्या है, क्या ये वक्त वॉच में रहता है या तो फिर सूरज उगना डूबना इसे वक्त कहते हैं। अगर इसे ही वक्त कहते हैं तो डूबा हुआ सूरज दोबारा उगने लगता है। अगर सूरज की तरह हम भी हमारे वक्त में पीछे जा सके तो शायद कितनी सारी चीजें बदल सकते हैं हम हमारी गलतियां सुधार सकते हैं, इन जेलों की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरी तरफ वो लड़की किसी बंदे के पास आती है, कहने लगती है कि थोड़ी देर और जनरेटर ऑन हो जाएगा। तो वो बंदा इस लड़की को अपनी किताब देने लगता है, अपनी डायरी। वो लड़की पढ़ने लगती है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ उस जेल में कुछ भूकंप सा आने लगता है, मतलब सारे लाइट्स ऑन ऑफ होने लगते हैं, कुछ चीजें अपने आप हिलने लगती है। सो सुबह होने के बाद पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि उस सेल में का कैदी भाग गया। उसके बाद क्या था, सारे जेल में उस कैदी की तलाश करने लगते है, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो कैदी नजर ही नहीं आता। इसी दरमियान में एक कैदी गणेशा नाम के एक कैदी के पास आकर कहने लगता है, अरे भाई तुमको पता है मिगल अपने सेल से भाग गया। सेल का दरवाजा बंद ही था, पता नहीं वो कैसे भाग गया। सारे पुलिस वाले मिगल की तलाश कर रहे हैं और जेलर गिरगी ने दो लोगों को यहाँ पर बुलाया है इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब तो मिगल गया काम से, उसको कोई भी नहीं बचा पाएगा। सो थोड़ी देर के बाद दो डिटेक्टिव्स इस जेल में आते हैं, चैतन्या और उसका असिस्टेंट माधवा। जेलर गिरगी से मुलाकात करके कैदी मिगल के बारे में पूछने लगते हैं कि मिगल यहाँ पर कितने दिनों से रहते आ रहा है। जेलर कहने लगता है तकरीबन 2.5 साल से, लेकिन सर वो बहुत ही अच्छा बंदा था, ना किसी से झगड़ा करता, बस अपना काम करता, अपनी डायरी लिखता रहता। लेकिन इतने सालों के बाद अचानक से ये बंदा अब क्यों भाग गया, प्लीज सर फटाफट से आप उस मिगल को फाइंड आउट करिए ना। तो उसके बाद चैतन्या और माधवा मिगल के सेल के पास जाते हैं तो सच में सेल का दरवाजा लॉक ही होता है। ये दोनों शॉक में रह जाते हैं, मतलब मिगल ने ना ताला तोड़ा, ना दीवार तोड़ी, ना जमीन पर गड्ढा खोदा, और ऊपर से इस जेल में इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स, इन सारे लोगों को चकमा देकर मिगल कैसे भाग गया। तभी जेलर चैतन्या को मिगल की डायरी लाकर देता है। तो इस डायरी में गणेशा का जिक्र होता है कि गणेशा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो चैतन्या और माधवा गणेशा को अपने पास बुलाकर मिगल की कहानी सुनाने के लिए कहते हैं कि आखिरकार वो बंदा कौन है, कहां से आया, क्यों आया। एक्चुअली 2.5 साल पहले जब पुलिस वाले मिगल को गिरफ्तार करके जेल में ला रहे थे तो किसी रास्ते पर पुलिस की जीप ब्रेकडाउन हो गई थी, तो उस वक्त मिगल उस जीप को अच्छा कर दिया। मतलब गणेशा कहने लगता है कि उस वक्त मिगल के पास भागने का मौका था, लेकिन मिगल नहीं भागा। लेकिन आज मिगल के पास मौका नहीं था भागने के लिए, लेकिन फिर भी भाग गया। मिगल हमेशा अपनी दुनिया में खोया रहता था, ना किसी से बात करता। एक दिन किसी कैदी ने मिगल की डायरी को छीन लिया। उस वक्त मिगल को बहुत गुस्सा आकर उस बंदे को बहुत मारा पीटा। बाद में गणेशा मिगल की डायरी मिगल को लाकर दी, तब से ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इस तरह से मिगल की कहानी को दिखाया जाता है। एक्चुअली मिगल जब छोटा बच्चा था उस वक्त एक साइंटिस्ट के घर में घुस गया था एक छोटे से एंटीना को चुराने के लिए। उस साइंटिस्ट का नाम होता है सुब्रमण्य राव। तो देखते ही देखते राव और मिगल के बीच अच्छी खासी दोस्ती होने लगी। मिगल राव के कामों में हाथ बटाने लगा, राव के पास ही रहते हुए पला बड़ा। अक्सर मिगल राव के साथ ही अपना टाइम गुजारते रहता है। एक दिन राव अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में मिगल से शेयर की कि एक्चुअली राव देजाऊ के बारे में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। राव कहने लगता है कि हमारी जिंदगी एक स्ट्राइट लाइन की तरह है, ए पॉइंट से लेते हुए बी पॉइंट तक जाते हैं। अगर हम इस लाइन के एंड्स को मिला दे तो ये सर्किल बन जाती है।
मतलब अगर कोई भी बंदा कहीं से भी स्टार्ट करे तो वो गोल 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 घूमता ही रहेगा, उसका एंड नहीं होता। अगर इसको टाइम से कंपेयर करें तो शायद गुजरी हुई घटनाएं बार बार गुजरती रहेंगी, उसी को कहते हैं देजाऊ। खैर मिगल की माँ हमेशा मिगल को डांटती ही रहती है कि अरे यार तुम तो बहुत ही जान जवान हो, बाहर घूमो फिरो, हमेशा उस बड़ों के पास जाकर क्यों अपना टाइम बर्बाद करते हो। लेकिन मिगल को राव के एक्सपेरिमेंट्स में हाथ बटाना बहुत ही अच्छा लगता है। सिंबू से बात करें तो रात में ही मिगल अपने घर में सोता है, बाकी सारा टाइम राव के साथ ही गुजारता है। खैर एक दिन वासंती नाम की एक लड़की मिगल के घर पर आती है, कहने लगती है कि सर मैं हैदराबाद से आई हूँ, मैंने फिजिक्स में MSc किया है, मेरे प्रोफेसर पाटिल सर ने आपके बारे में जिक्र किया, मैं आपके पास इंटर्नशिप करने के लिए आई हूँ। राव वासंती से झूठ कहने लगता है, अरे बेटा मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ भी काम नहीं, मैं पाटिल से बात करके तुमको दूसरे प्रोफेसर के पास भेज दूंगा, फिलहाल आज तुम यहीं पर रुक जाओ, कल हैदराबाद के लिए निकल जाओ। तो वासंती भी इसके लिए ओके कह देती है। तभी गांव का एक बंदा राव के घर पर पत्थर फेंकने लगता है। मिगल और राव यही सोचने लगते हैं कि पत्थर फेंकने वाला पुन्नना का ही आदमी हो सकता है, क्योंकि राव ने पुन्नना से कुछ पैसे उधार लिया, अभी तक चुका नहीं पाया। तो दूसरी तरफ पुन्नना को दिखाया जाता है। तभी एक बंदा पुन्नना के पास आकर कहने लगता है कि भाई भाई उस मिगल ने हमारी सारी चीजें देख लिया। पुन्नना कहने लगता है, अच्छा ऐसा है, तुम फटाफट से सारी चीजें छुपा दो, अगर वो किसी को कुछ बताएगा तो हम एक्शन लेंगे। खैर थोड़ी देर के बाद राव अपने घर के किसी कमरे में कुछ इलेक्ट्रिक का काम करते रहता है। मिगल को भी बुलाने लगता है कि मेरे काम में हाथ बटाओ। मिगल कहने लगता है कि अगर मैं ये काम स्टार्ट किया तो 2 घंटे तक लगातार चलता रहेगा, पहले मैं अपने घर जाकर आता हूँ, मेरी माँ को खाना खिलाकर आता हूँ, बाद में आकर इस काम को देखते हैं सर। तो उसी वक्त वासंती इस कमरे में आकर राव से कहने लगती है कि सर क्या मैं आपके काम में कुछ हाथ बटा दूं? उसके बाद क्या था, राव फटाफट से वासंती को कमरे से बाहर लाकर उसको समझाने लगता है कि देखो बेटा तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए, तुम फटाफट से यहाँ से चली जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरे एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को पता चले। वासंती कहने लगती है, अरे सर मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और सारा क्रेडिट आपको ही मिलेगा। राव कहने लगता है, बात क्रेडिट की नहीं है बेटा, बात जान की है, इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी और शायद जान भी जा सकती है। वासंती कहने लगती है, सर मैं इसके लिए भी रेडी हूँ। तो राव को बहुत गुस्सा आकर वासंती को अपने घर से बाहर निकालने लगता है कि तुम अभी एक पल भी यहाँ पर नहीं रह सकती, जाओ यहाँ से, पागल हो चुकी हो। तभी वासंती कहने लगती है कि मेरा नाम वासंती नहीं, शारदा सुब्रमण्यम राव है, मैं आप ही की बेटी हूँ। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है कि एक्चुअली कुछ सालों पहले राव अपने बेटे के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में उसके बच्चे की मौत हो गई। तो उसी वक्त राव की बीवी अपनी बेटी को लेकर राव को छोड़ दिया। राव ने सोच लिया कि मेरी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो, इसलिए वहाँ से निकलकर मिगल के गांव में शिफ्ट हो गया। कुछ सालों बाद शारदा की माँ मर गई, शारदा अकेले ही अपनी जिंदगी गुजारने लगी। तो प्रेजेंट पर अपने फादर राव से कहने लगती है कि मैं यहाँ पर रहने के लिए नहीं आई हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इंसान कैसे हो। तो राव बहुत दुखी होने लगता है अपनी बेटी को देखकर। स्वारी भी बोलने लगता है कि मैं नहीं जानता था कि तुम अंधेरे में थी, यहीं पर रहने के लिए परमिशन दे देता है। खैर थोड़ी देर के बाद मिगल वापस अपने घर पर आता है खाना बनाने के लिए, मतलब आजकल इसकी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती। किचन में जाकर देखता है तो इसकी माँ ने ऑलरेडी खाना बना चुकी होती है। अपनी माँ से शारदा के बारे में बताने लगता है कि आज राव सर की बेटी शारदा आई। मिगल की माँ कहने लगती है कि किसी दिन उस लड़की को हमारे घर पर लाओ। जब मिगल वापस राव के पास आता है तो राव मिगल से सॉरी बोलने लगता है कि मैंने तुमसे मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर नहीं किया। लेकिन मिगल इन सारी बातों को लाइटली लेने लगता है, कहने लगता है कि राव सर मेरी जिंदगी में आप बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हो, मेरे लिए आप एक वरदान की तरह हो, हम जिस रास्ते पर चलते हैं उसका कोई ठिकाना नहीं, जिंदगी मतलब किसी का साथ निभाना होता है, हमारे साथ जो रहते हैं वही डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ पर जाएंगे, हमारी जिंदगी कैसे होने वाली है, अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं रहोगे तो मेरी जिंदगी के कोई मायने ही नहीं, बस छोटे मोटे काम करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहा होता। इस तरह से मिगल राव को चिल करवाने लगता है। प्रेजेंट डे पर माधव चैतन्य से कहने लगता है कि सर आप फटाफट से चलिए, वो मिगल वहीं पर रहेगा राव के पास। चैतन्य कहने लगता है कि आप इस राव को कहाँ पर ढूंढे हैं। तभी गणेशा इन दोनों से कहने लगता है कि आप दोनों ने केस की फाइल स्टडी नहीं की, मिगल ने राव को मारा इसलिए वो अरेस्ट हो गया ना। ये सुनने के बाद चैतन्य और माधव शॉक में रह जाते हैं कि मिगल राव को अपना आइडल मानता था तो राव को ही कत्ल क्यों किया। गणेशा कहने लगता है कि एक रात झगड़े के दौरान राव का घर जल गया, ये बातें खुद मिगल ने कोर्ट में एडमिट किया। उसके बाद सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। राव अपनी बेटी शारदा को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ बातें बताने लगता है।
कहने लगता है कि कभी कभार हमको ऐसा लगता है कि हमने ये चीज पहले भी कर चुके हैं, हम इस जगह पर पहले भी आ चुके हैं। कुछ लोग इसको कोइंसिडेंस या तो फिर सिक्स्थ सेंस कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि हमारे जिंदगी में वो घटना पहले ही घट चुकी होती है, इसलिए हमको ऐसा फील होता है। उसी चीज को हम देजा वू कहते हैं। टाइम एक बहती हुई नदी की तरह है, हमेशा वो आगे ही जाती रहती है, जैसे एक स्ट्राइट लाइन की तरह। अगर हम इस नदी के बीचों बीच एक और रास्ता बनाकर पहले पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे तो ये नदी गोल 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 घूमती रहेगी। सेम उसी तरह हम किसी भी इंसान के टाइम लाइन को आधे में डिवाइड करके पहले पॉइंट को कनेक्ट कर दें तो वो लूप में ही घूमता रहेगा। उसके साथ जो मोमेंट्स गुजरे थे वो बार बार होते रहेंगे इन्फिनिट लूप में। इस एक्सपेरिमेंट में एक छोटा सा रिस्क है, अगर कोई बंदा इस लूप से बाहर नहीं आ पाएगा तो वहीं पर स्टक होकर रहेगा। अब इसी बातों के दरमियान में उस कमरे के बार बार खिड़कियां ओपन होती रहती है, राव इन विंडोज को बंद करते रहता है। खैर उसके बाद मिगिल शारदा को लेकर अपने घर पर जाता है अपने माँ से मिलवाने के लिए। यहाँ पर ये तीनों काफी सारी बातें करने लगते हैं। खैर दूसरे दिन मिगिल अपने नए शर्ट को आयरन करने लगता है। ये देखकर मिगिल की माँ मिगिल को चिढ़ाने लगती है कि ये सब कुछ उस लड़की के लिए है ना, अब वैसे भी तुम नई शर्ट पहनने वाले हो, फोटो स्टूडियो जाकर एक फोटो खींच लो। चलो ना मिगिल, हम दोनों एक फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन मिगिल टालने लगता है कि कल ही एक्सपेरिमेंट है, किसी और दिन चलेंगे। उसके बाद मिगिल शारदा को अपना सारा गांव घुमाने लगता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करने लगते हैं। अब कल ही एक्सपेरिमेंट होने वाला होता है तो शारदा मिगिल को हौसला देने लगती है कि तुम घबराओ मत, सब कुछ सही से चलेगा। यहाँ पर एक और बात यह है कि राव अपना एक्सपेरिमेंट मिगिल से ही करने वाला होता है। खैर फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिस दिन एक्सपेरिमेंट होने वाला होता है, मतलब राव ने एक मिशन को रेडी कर चुका होता है। और इसी तरह मिगिल को भी हौसला देने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ सही से चलेगा। बाद में मिगिल के माथे पर दो वायर्स कनेक्ट करके इसको एक बक्से में सुला देते हैं। उस बक्से में पानी भी होता है और जब राव अपने मिशन को ऑन करता है तो उस कमरे के सारे सामान इधर उधर गिरने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद मिगिल एक बहुत ही अजीब की प्लेस में पहुंच जाता है और राव का मानना यह होता है कि इसी प्लेस को एम्प्टी स्पेस कहते हैं। मिगिल को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये कहां पर है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। लेकिन बाद में मिगिल वापस होश में आ ही जाता है। इसने जो एक्सपीरियंस किया वो राव को बताने लगता है। राव कहने लगता है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ी हुई है, जल्द से जल्द हमको रेक्टिफाई करना होगा। उसी वक्त पूर्णा अपने आदमियों के साथ राव के घर पर आता है, मतलब राव ने पूर्णा से कुछ पैसे उधार लिया, वही पैसे मांगने के लिए आया होता है। राव कहने लगता है कि कल या परसों मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि मिगिल और पूर्णा के बीच कुछ जमती नहीं होती। मिगिल की माँ ने भी पूर्णा से कुछ पैसे उधारी पर लिया होता है। मिगिल थोड़े थोड़े पैसे चुकाते रहता है। खैर उसके बाद मिगिल शारदा को लेकर एक कॉफी शॉप पर जाता है। कॉफी पीने के बाद जब बिल पे करने की बारी आती है तो दुकान वाला बंदा मिगिल से बैलेंस पूछने लगता है। मिगिल पूछने लगता है कि मैंने कब तुम्हारी दुकान से उधार की चाय पी। लेकिन शारदा मिगिल के पैसे उस दुकान वाले बंदे को देकर वो दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। दोबारा मिगिल शारदा को लेकर अपने घर पर आता है तो ये बात पता चलती है कि मिगिल की माँ मर चुकी है। फटाफट से अंतक्रिया का काम होने लगता है। जब मिगिल की माँ की चिता जल रही होती है तो उसी जगह पर पूर्णा उसके आदमी आते हैं। मिगिल से अपने पैसे वापस मांगने लगता है कि मैंने तुम्हारी माँ का चेहरा देखकर तुम्हारी माँ से पैसे नहीं मांगा, अब तो तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, मेरे पैसे लौटाओगे या तो फिर घर मेरे नाम करोगे। राव पूर्णा को डांटने लगता है कि कहाँ पर आकर क्या बात कर रहे हो। लेकिन पूर्णा राव को ही चुप रहने के लिए कहता है कि यह हमारे गाँव का मामला है, आप चुप रहिए। तभी मिगिल को गुस्सा आकर पूर्णा पर टूट पड़ता है। इन दोनों की भी जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। गांव वाले इन दोनों को किसी भी तरह से रोक लेते हैं। अब मिगिल तो कर्जा नहीं चुका पाया, इसीलिए घर खाली करने का डिसाइड कर लेता है। घर आकर अपनी माँ के जो सामान होते हैं उन चीजों को पैक करने लगता है। उसके बाद जब मिगिल राव के पास जाता है तो राव मिगिल को हौसला देने लगता है। मिगिल कहने लगता है कि सर मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने मेरी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मेरी माँ मरते वक्त भी मैं मेरी माँ के पास नहीं था, वही मेरा दुख है। तभी एक बंदा राव के घर के पास आकर कहने लगता है, राव सर आप फटाफट से बाहर आइए, पूर्णा की घास को आग लग गई और पूर्णा ये सारा इल्जाम मिगिल पर डाल रहा है। मिगिल कहने लगता है कि ये सब कुछ पूर्णा की चाल है, मैंने उससे झगड़ा किया ना, उसी का बदला ले रहा है। खैर उसके बाद ये तीनों दोबारा एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी होते हैं। राव मिगिल को एक रिंग देते हुए कहने लगता है कि जब तुम इस एक्सपेरिमेंट से बाहर आओगे तो तुम इस रिंग को उतार दोगे। उसी वक्त घर के बाहर पूर्णा और उसके आदमी आते हैं, राव को बाहर बुलाने लगते हैं।
लेकिन राव उन लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने लगता है। खैर प्रेजेंट डे पर मिगल की डायरी में कुछ पन्ने खाली होते हैं। गणेशा चैतन्य से कहने लगता है, अरे सर उसी रात मिगल अरेस्ट हुआ था, पता नहीं उस रात क्या हुआ था, आप थोड़ा आगे देखिए। इस तरह से दो पन्ने पलटाने पर कहानी कंटिन्यू होती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है और फ्लैशबैक में हम ये देखते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट के बाद मिगल थोड़ा बहुत पास्ट में आ जाता है, मतलब जिस दिन शारदा राव के घर पर आई थी उस टाइम पर चला जाता है मिगल, और राव के घर पर पत्थर फेंकने वाला मिगल ही होता है। लेकिन राव और दूसरा वाला मिगल यही सोचने लगते हैं कि ये काम पुनन्ना के किसी आदमी का हो सकता है। अब ये सारी चीजें देखकर प्रेजेंट वाला मिगल शॉक में रह जाता है कि इनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, मिगल पास्ट में आया, बहुत खुश होने लगता है। और तभी मिगल को अपनी माँ की याद आती है, मतलब इस टाइम पर इसकी माँ अभी भी जिंदी थी ना। फटाफट से मिगल अपनी माँ के पास जाने लगता है। अपनी माँ की आवाज़ को सुनकर मिगल बहुत खुश होने लगता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि यह औरत मिगल की असली माँ नहीं होती, किसी दूसरी औरत ने इसको दे दिया, तो इस औरत ने मिगल को अपना बेटा समझकर पाल पोस कर बड़ा किया। ये सारी बातें मिगल को ऑलरेडी पता होती है। घर घर आने के बाद मिगल खाना बनाकर अपनी माँ को अपने हाथों से खिलाने लगता है। आपको याद है ना कि पास का मिगल जब अपने घर पर आया था तो खाना ऑलरेडी पका हुआ था, तो मिगल ने सोचा था कि इसकी माँ खाना बना चुकी है, लेकिन वो खाना प्रेजेंट वाला मिगल बनाया होता है। मिगल सोच लेता है कि इसकी माँ ने जो जो छोटे छोटे विशेष मांगे उन सारे विशेष को पूरी करेगा, लेकिन उससे पहले राव से मिलने का डिसाइड करता है। अपने चेहरे पर कपड़ा बांध के राव के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ उसी किसी जंगल के इलाके में पुनन्ना के आदमी गांजा बनाते रहते हैं। उसी रास्ते से गुजरने वाला मिगल इनकी बातें सुन लेता है और उसी तरह पुनन्ना का आदमी भी मिगल को देख लेता है। उसके बाद पुनन्ना का आदमी पुनन्ना के पास आकर यही बात कहने लगता है कि भैया जी मिगल ने हमारी सारी चीजें देख ली, तो पुनन्ना भी कहने लगता है कि देखते हैं वो हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। दूसरी तरफ मिगल का एक फ्रेंड मिगल को रास्ते में देख लेता है, मतलब पहचान लेता है और बुलाता है, अरे मिगल कहाँ पर जा रहे हो, चलो मैं तुमको ड्रॉप कर दूंगा अपने बाइक में। अब मजबूरन मिगल इस बंदे के बाइक में बैठकर जाने लगता है, तो ये बंदा एक चाय की दुकान के पास आकर रुकता है थोड़ी बहुत चाय वगैरह पीने के लिए। तो मिगल भी होटल के अंदर आकर खाना वाना चाय वगैरह पीने लगता है, तो बिल पे करते समय दुकान वाले से कहने लगता है कि भैया मेरे पास पैसे कम है। दुकान वाले भी कहने लगता है ठीक है अगली बार दे देना। तो बाद में दूसरी बार जब दूसरा मिगल और शारदा कॉफी पीने के लिए यहाँ पर आए थे तो इस दुकान वाले बंदे ने उस मिगल से बैलेंस लिया था। खैर उसके बाद मिगल राव के घर के पास जाता है, तो उस वक्त राव मिगल और शारदा को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में एक्सप्लेन करते रहता है। तो उस बातों के दरमियान में कमरे की खिड़कियाँ ओपन हो रही थी ना, वो और कोई नहीं यही मिगल ओपन कर रहा था। अब आपको याद है ना कि मीटिंग खत्म होने के बाद मिगल शारदा को लेकर अपने घर गया था अपनी माँ से मिलवाने के लिए, तो उस वक्त प्रेजेंट वाला मिगल राव के पास आया, अंगूठी को दिखाते हुए कहने लगता है कि सर आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया। ये सुनने के बाद राव बहुत खुश होने लगता है और अपने खोए हुए बेटे को बहुत याद करने लगता है। मिगल से कहने लगता है कि 20 साल के बाद मेरा यह सपना पूरा हुआ। मिगल कहने लगता है कि सर मेरी माँ मरने वाली है। राव कहने लगता है मिगल जो होना है वो होकर ही रहेगा, अब यह तुम्हारा दूसरा मौका है, अपनी माँ के साथ अच्छे से टाइम बिताओ। सो उसी तरह से मिगल अपनी माँ के पास जाकर उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगता है, छोटे छोटे विशेष पूरे करने लगता है, जैसे शहर के मंदिर पर ले जाना, शॉपिंग करवाना, मूवी दिखाना, फोटो स्टूडियो जाकर एक साथ फोटो खिंचवाना। इस तरह से वो सारा दिन अपनी माँ के साथ टाइम बिताकर अपनी माँ को अपने घर के पास ड्रॉप कर देता है। तो घर जाने के बाद नींद में ही इसकी माँ मर जाती है। उसी रात पुनन्ना ये डिसाइड करने लगता है कि इसके गांजा के सामान मिगल के घर में रखवा देगा। सो पुनन्ना की ये बातें मिगल सुनकर उसके खेती के पास जाकर उसके सारे घास को जला देता है। पुनन्ना और उसके आदमी इधर उधर तलाश करने लगते है और उसी तरह पुनन्ना को मिगल पर ही शक होता है, लेकिन फाइनली पुनन्ना मिगल को पकड़ ही लेता है, बहुत मारने पीटने लगता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ मिगल राव शारदा एक्सपेरिमेंट के लिए तैयारी करते रहते हैं। तो उसी वक्त पुनन्ना अपने आदमियों के साथ राव के घर पर आता है, राव को बुलाने लगता है, लेकिन तब तक तो एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका होता है। घर के बाहर पुनन्ना और उसके आदमी राव के घर के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर घर को आग लगा देते हैं। अपने घर को आग लगा हुआ देख राव अपनी बेटी को घर से बाहर कर देता है, मिगल की रक्षा करने लगता है। उसी वक्त प्रेजेंट वाला मिगल पुनन्ना पर हमला करके घर के अंदर जाता है राव को बचाने के लिए, लेकिन जब तक अंदर जाता राव मर चुका होता है। उसके बाद मेन पावर ऑफ करने की वजह से
बॉक्स वाला मिगिल होश में आता है और जलते हुए घर को देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आकर मिगिल को अरेस्ट कर लेते हैं। प्रेजेंट डे पर ये डायरी पढ़ने के बाद चैतन्य और माधवा के तो होश उड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। सीन दोबारा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। प्रेजेंट वाला मिगिल शारदा के पास आकर असली सच्चाई बताने लगता है कि रावसार का एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ। अब ये एक्सपेरिमेंट बीच में ही रुक जाने की वजह से प्रेजेंट वाला मिगिल पास्ट में ही रुक गया, तो दोबारा मिगिल और शारदा वो मशीन बनाने में लगे रहे। एक दिन शारदा पास्ट वाले मिगिल के पास जाकर उसकी डायरी हाथ में थमा दी और अपना प्लान भी बताने लगी। उसके बाद ये दो मिगिल्स वॉशरूम में आकर एक दूसरे के शर्ट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर प्लान ये है कि प्रेजेंट वाला मिगिल जेल में जाएगा और पास्ट वाला मिगिल शारदा के साथ ही रहेगा उसके एक्सपेरिमेंट में साथ देने के लिए। यहाँ पर एक और बात यह है कि उस दिन जब राव का घर जल रहा था ना, तो राव अपने कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को घर से बाहर फेंक दिया था, तो वही सारे फाइल्स शारदा के हाथ लगकर शारदा दोबारा उसी मशीन को रेडी करने लगती है 2.5 साल तक। बाद में अपने एक्सपेरिमेंट को कम्प्लीट करने की वजह से मिगिल जो जेल में था ना, वो गायब हो जाता है। मतलब वो अपने टाइमलाइन में चला जाता है, प्रेजेंट में आ जाता है। अब ये सारी चीजें डिटेक्टिव चैतन्य गेस कर चुका होता है मिगिल की डायरी पढ़कर। चैतन्य माधवा से कहने लगता है कि हमें तो ये सारी बात समझ में आ गई, लेकिन अगर हम यही बात दूसरों को समझाएंगे तो कोई भी हमारी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। इस तरह से ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और इसी तरह ये मूवी भी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।